ये कांग्रेस का खौफ, ये डर या फिर पाकिस्तान प्रेम, ये बार बार खुलकर आता है। और कांग्रेस के नेता रहते तो हिंदुस्तान में है, दिल पाकिस्तान में है। राहुल गांधी, कांग्रेस, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान आज खाने को मोहताज है। ये क्या सेना वाले बंदूक लेकर घूम रहे हैं? सोचे सेना को सड़क का गुंडा, पाकिस्तान को इज्जत देनी है, बंदूक नहीं दिखानी है। कि मणिशंकर अय्यर को कहीं अपना दिमागी इलाज कराना चाहिए। ये कांग्रेसी वाला भारत नहीं रहा, ये भारत अभी बहुत शक्तिशाली हो गया, ये मोदी जी का भारत है। राहुल गांधी, कांग्रेस, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान आज खाने को मोहताज है। हम यही कहेंगे, दोगली नीति कांग्रेस छोड़े, हिंदुस्तान इतनी ताकतवर है कि कोई आंख दिखाएगा तो पाकिस्तान भूगोल में दिखाई नहीं देगा। ये फारूक अब्दुल्ला की भाषा बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलता है, आतंकवादी की भाषा बोलता है। कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम थमने का नाम नहीं ले रहा। अब प्रथम परिवार के करीबी अंकल मणिशंकर अय्यर, जो पाकिस्तान भी गए थे एक बार पाकिस्तान से सहायता मांगने के लिए कि मोदी को हटाना है, अब वो किस प्रकार से पाकिस्तान के ताकत और मसल को दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहते हैं कि पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए, पाकिस्तान जो हमारे यहाँ पर आतंकवादी भेजता है उनको इज्जत देनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। ये क्या सेना वाले बंदूक लेकर घूम रहे हैं? सोचे सेना को सड़क का गुंडा, पाकिस्तान को इज्जत देनी है, बंदूक नहीं दिखानी है। फिर वो कहते हैं कि ये क्या मस्कुलर पॉलिसी है, पाकिस्तान के भी सारे मसल अर्थात एटम बॉम्ब पड़े हुए हैं। ये है मणिशंकर अय्यर कि अपने देश को ही बोलते हैं, अपने देश की सेना को ही बोलते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए कदम मत उठाओ, आतंकवाद करने वाले देश के सामने गिड़गिड़ाओ और बात करो, और आतंकवाद भेजने के लिए, आतंकवादी भेजने के लिए उनकी इज्जत करो। इसी के चलते 26/11 के बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक नहीं की थी, बल्कि मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया था, स्टेटस दिया था, और हर दूसरे तीसरे सप्ताह आतंकवादी घटनाएं होती थी। अब जब पुलवामा होता है या बालाकोट होता है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, और तब जाकर पाकिस्तान के आतंकवाद के होश ठिकाने आते हैं। आज पाकिस्तान गिड़गिड़ाता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि हमें बख्श दीजिए भारत। सर, मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि भारत को पाकिस्तान को सम्मान देना चाहिए, अगर वो सम्मान नहीं देता तो उनके पास एटम बम है जो रावलपिंडी में स्थित है। ये कांग्रेस का खौफ, ये डर या फिर पाकिस्तान प्रेम, ये बार बार खुलकर आता है। और कांग्रेस के नेता रहते तो हिंदुस्तान में है, दिल पाकिस्तान में है, और डराने का काम हिंदुस्तान को करते हैं। अरे पाकिस्तान की क्या हिम्मत कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखे। भारत मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है, दिया भी है, बार बार दिया है, और इसलिए तो पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ दिखता है। बार बार बयान इस तरह के आ रहे हैं, पाकिस्तान के कांग्रेस के समर्थक, और यहां से कांग्रेसियों के पाकिस्तान के समर्थक। ये रहे यहाँ पर गए कुछ कांग्रेस के नेता, लेकिन दिलो दिमाग से अभी भी ये पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान का सम्मान देना चाहिए क्योंकि उसके पास एटम बम है, अगर सम्मान नहीं देंगे तो वो हमला करने के बारे में सोचेगा। अरे नहीं, पाकिस्तान इस वक्त तो अपने लिए अनाज जुटा रहा है, खाने की तकलीफ है, वो कटोरा लिए यहाँ वहाँ जा रहा है। ये मणिशंकर अय्यर को कहीं अपना दिमागी इलाज कराना चाहिए। ये कांग्रेसी वाला भारत नहीं रहा, ये भारत अभी बहुत शक्तिशाली हो गया, ये मोदी जी का भारत है। पाकिस्तान बाप बाप करता, माँ माँ माई माई करता है,
मोदी जी का चेहरा दिखा दो तो सब खाली उन लोग फोटो दिखा देते हैं मोदी जी को, सबको मिर्गी आने लगता है पाकिस्तान। सवाल है इससे हट के मनीष शंकर अय्यर साहब का एक और बयान अभी आया है पाकिस्तान वगैरह को लेकर, इस पे कुछ कहना चाहिए? मैं नहीं जानता क्या बयान है, मैंने देखा भी नहीं है अभी इनके सबके बयान को, वो देखता उठता नहीं। कैसा है कि डॉक्टर सैम पित्रोदा इस्तीफा दे चुके हैं, तो जब इस्तीफा दे दिए हैं तो उन्हीं के साथ उनका बयान चला जाता है, कांग्रेस का बयान नहीं। मनीष शंकर अय्यर जी की कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं, इसलिए वो जो कहते हैं उनका व्यक्तिगत है, कांग्रेस का ऐसा कोई मत नहीं है, कांग्रेस इसके ऊपर कुछ नहीं बोल। सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।